हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी मैं फ्रेंड आप लोग को बता रही हूँ, और आप लोग को भी पता होगा कि गदर जो है हमारे देश में कितना गदर मचा रहा है। गदर टू, इसके पहले गदर वन आया था। गदर वन आया था अमीषा पटेल और शनी देओल की, वो उतना कलेक्शन नहीं कर पाया जो कि गदर टू कलेक्शन किया। 3 दिन में 134 करोड़ से ज़्यादा इनकी कमाई हुई, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट है और आइकॉनिक एक्टर है वो। इनका अभिनय जो है का अभिनय का लोहा मनवाया गदर टू में, और बहुत ही बेहतरीन अभिनय किए। 62-63 साल के एज में इन्होंने जो एक्टिंग किया, जो अभिनय किया, आज के जनरेशन जो नया जनरेशन है जो 22-24 साल के हैं, वो भी इतने ही क्रेजी इनका अभिनय देख के हुआ आज के जनरेशन। तो इससे कहने का ये बनता है कि ये जो उम्र जो है कुछ मायने नहीं रखता है, अभिनय और आप क्या कार्य कर रहे हैं वो मायने रखता है, जो आपको दर्शक कितना पसंद करता है। हर जगह मैं देख रही हूँ, अपने शहर में, दूसरे शहर में पिक्चर की रिव्यू देख रही हूँ, हर जगह गदर टू ही छाया हुआ है। और इसका रिएक्शन पाकिस्तान में जो है यूट्यूबरों में, बहुत सारे यूट्यूबर इसका सनी देओल के डायलॉग को दिखा दिखा के वहाँ के जनरल पब्लिक से पूछ रहे हैं। जो सनी देओल का एक डायलॉग है इसमें कि अगर वहाँ के पाकिस्तान के लोग को अगर मौका मिले तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, इसको दिखा दिखा के सबका अलग अलग व्यू, पब्लिक का व्यू ले रहा है, उनका भी कमाई हो रहा है इनके। आप सोचिए, अपने हिंदुस्तान में तो जो हो रहा है हो रहा है, बाहर के मुल्कों में भी इनका पिक्चर का डायलॉग दिखा के इसके बाद रिव्यू पब्लिक से ले रहा है, जिसके कारण उसका व्यूअर बढ़ रहा है और यूट्यूब में भी कमाई कर रहा है। तो इस तरह आप देखिए, देश विदेश में ये गदर है, गदर मचा रहा है। तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है, इनका अभिनय बहुत अच्छा है, शकीना का भी अभिनय बहुत अच्छा है, तारा सिंह का अभिनय तो बेजोड़ है, शकीना का भी है, सब मिला के जितने भी पात्र हैं, जितने भी इसमें एक्टिंग जिन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा अभिनय है सबका। इसके लिए पूरा आप देखिए, सारे पिक्चर हॉल में जो क्रेज एक समय में पाकिजा का था, जो क्रेज मुगले आजम का था, जो क्रेज जय संतोषी माँ का था, इस तरह करके जो हिट पिक्चर थे, राजेंद्र कुमार के पिक्चर का था, राजेश खन्ना के पिक्चर का था, जो क्रेज, वो आज क्रेज देखने को पिक्चर हॉल में मिलता है। नहीं तो कोरोना में सारा पिक्चर हॉल बंद पड़ गया था, पिक्चर लोग देखता नहीं था, टीवी में ही देख लेता था तो हो जाता था, बट अभी कोई टीवी में नहीं देख रहा, अब सब जाके पिक्चर हॉल में देखना पसंद कर रहा है, ग्रुप ग्रुप। मैंने तो एक देखा टीवी में कि कल्याणपुरी दिल्ली से एक सरदार उसके 35-40 आदमी इकट्ठे देखने के लिए गए। इतना क्रेज है कि क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबको देखना है पिक्चर, इतना क्रेज सब में भर गया है, हर आदमी को देखने का है इनको। इतना पब्लिसिटी हो गया है, इतना पब्लिसिटी हो गया है। और ये एक्चुअली क्या है कि ये तो एक तो पिक्चर है, दूसरा इस समय कुछ माहौल भी इस तरह का मुझे लग रहा है, कभी ये सीमा, अभी ये हो गया, ये अंजू उधर चली गई, कुछ यहाँ के सेंटिमेंट में भी ये सब आ गया है। तो इस माहौल को भी भुनाने का डायरेक्टर ने पुरजोर कोशिश किया है, और उसको भुनाने में वो सफल रहे, जिसके कारण इनका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन जबरदस्त हो रहा है। सभी पिक्चर जो अभी पठान है, आदि पुरुष है, और अक्षय कुमार का OMG, सभी पिक्चर को पछाड़ते हुए ये नंबर 1 पर है।
अभी तो आप सोचिए 15 अगस्त का कलेक्शन बचा है और सारा कलेक्शन बचा है, तो अभी और कितना होगा। और यहाँ तक कि इन्होंने प्रमोशन में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है, हर जगह घूम घूम के प्रमोशन इन्होंने किया पिक्चर का, हर जगह जाके, जिसके कारण इनका जो है इतना प्रमोशन हुआ कि ये पिक्चर का क्रेज बन गया सबके साथ। और ये सोच नहीं सकते थे कि इतना ये सफल होगा, इन ये कल्पना नहीं कर सकते थे। और इतने गैप के बाद वन गदर वन और टू के बीच में बहुत गैप था, इसके बाद बनाना और इस उम्र में बनाना और इतना हिट होना कल्पना से बाहर की बात थी। लेकिन आप देखिए इन्होंने जो काम किया, जो इनका क्रेज है, जो इनके बातचीत डायलॉग्स में जो ये मर्दानगी दिखती है, इस तरह करके आदमी बहुत क्रेजी हो गया इनको देखने के लिए। तो इस तरह कह सकते हैं कि गदर टू जो है गदर सही में मचा दिया है और बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन इसका बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत मोटी कमाई किया है। और इसका जो है यहाँ अभी जो ये जो माहौल है उसको बनाने में इसका निष्कर्ष यही है, कंक्लूजन यही है कि किसी भी चीज़ माहौल को बनाने में डायरेक्टर सफल रहा और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट रही। डायलॉग्स, स्टोरी, एक्शन, इमोशन, ये सब मिलाकर आप एक कह सकते हैं कि मसाला फिल्म है। और इस माहौल को भुनाने का कोशिश किया गया है और कामयाब रहा और दर्शकों में भी क्रेज बहुत बढ़ गया है देखने का। और कहीं से दूर दूर से आप पिक्चर हॉल में बुकिंग तो इतना है कि टिकट नहीं मिलता है, 2-3 दिन पहले से बुकिंग चल रहा है। इस तरह करके इतने दिन के बाद मैं सोचती हूँ 10-15 साल बाद, और ये कोरोना में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, सारी बिजनेस फेल हो गई थी, ख़त्म हो गई थी पिक्चर हॉल वालों की, अभी ये देखिए गदर गदर ऐसा मचाया कि फिर से स्टार्ट हो गया। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोग भी गदर देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है शनि देओल की, अच्छी स्टोरी है, अच्छा एक्टिंग है इनका, अच्छा डायलॉग डिलीवरी है, सब कुछ अच्छा है। बस आज इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।